अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत और ईरान के संबंधों पर भले ही तलवार लटकी हो, लेकिन अप्रैल से जून तक ईरान ने भारत को तेल बेचने के मामले में सऊदी अरब से आगे निकल गया है। ईरान अब भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। इससे पहले 7 सालों तक सऊदी दूसरे नंबर पर था। कल पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में कहा कि भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने अप्रैल से जून के बीच सऊदी की तुलना में ईरान से ज़्यादा तेल आयात किया है। इराक अब भी भारत को तेल बेचने के मामले में पहले नंबर पर बना हुआ है। भारत के लिए यह द्वंद्व भरी स्थिति है कि एक तरफ अमेरिका का दबाव है कि ईरान से भारत तेल की खरीदारी बंद करे और दूसरी तरफ ईरान से तेल आयात इतना बढ़ा कि सऊदी पिछड़ गया। भूटान में संसदीय चुनाव से पहले भारत और चीन दोनों ने अपने प्रभाव के इस्तेमाल की कोशिश शुरू कर दी है। दोनों देशों का मानना है कि इस छोटे से देश लेकिन रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम भूटान में नई सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। चीन के उप विदेश मंत्री कोंग स्वेनयू कल बिना किसी पूर्व योजना के थिम्पे पहुँचे हैं। उन्होंने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे के साथ बैठक की है। इससे पहले भारत में चीन के राजदूत भी भूटान गए थे। भारत के लिए दोनों दौरे सतर्क करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि चीन में भारत के राजदूत लुओ चाओ ने ही उप विदेश मंत्री के दौरे की जमीन तैयार की। भारत अब तक भूटान के साथ भरोसे का रिश्ता बनाने में कामयाब रहा है। भारत के पड़ोसियों में भूटान एकमात्र ऐसा देश है जिसने चीन के वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल होने से इनकार कर चुका है। कांग्रेस की नई कार्य समिति बैठक के एक दिन बाद राहुल को विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखा। कांग्रेस कार्य समिति में राहुल को नरेंद्र मोदी के मुकाबले पीएम उम्मीदवार के तौर पर आगे किया गया, लेकिन इसका खुलकर समर्थन केवल जनता दल सेकुलर ने ही किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूछा है कि क्या राहुल गांधी को आधिकारिक रूप से पीएम उम्मीदवार घोषित किया गया है। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए मायावती, शरद पवार और ममता बनर्जी का भी नाम लिया। इस मामले में ममता बनर्जी और शरद पवार का कोई बयान अब तक नहीं आया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 6 पूर्व खुफिया अधिकारियों की सुरक्षा मंजूरियों को वापस लेने पर विचार कर रहे हैं। एक प्रेस वार्ता में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सारा हकाबी सैंडर्स ने इन 6 लोगों पर राष्ट्रपति ट्रंप के रूसी सरकार से रिश्तों पर आधारहीन दावे करने के आरोप लगाए हैं। इन 6 लोगों में CIA के पूर्व निदेशक जॉन ब्रेनन और FBI के पूर्व निदेशक जेम्स कोमी शामिल हैं। इनके अलावा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रही सुसान राइस और पूर्व खुफिया निदेशक जेम्स क्लेपर शामिल हैं। जॉन ब्रेनन ने बीते सप्ताह हेलसिंकी में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात को देशद्रोह के बराबर बताया था। सुरक्षा मंजूरियां वापस ले जाने के बाद ये अधिकारी गुप्त दस्तावेज भी नहीं देख सकेंगे और उन्हें सुरक्षा जांचों से गुजरना होगा। मुंबई आतंकी हमले 26/11 के गुनहगार डेविड हेडली पर अमेरिका के शिकागो जेल में जानलेवा हमला हुआ है। ऐसी चर्चा है कि हमले में गंभीर रूप से घायल हेडली को शिकागो के नॉर्थ वेस्टर्न अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसे CCU में रखा गया है और उस पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। हेडली पर जिन लोगों ने हमला किया वो दोनों भाई हैं और पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोप में फिलहाल जेल में बंद हैं। गंभीर रूप से घायल हेडली अस्पताल में मौत से जूझ रहा है। मध्य अफ्रीका का एक बेहद छोटा देश रवांडा अचानक इतना कैसे खास हो गया है कि कुछ ही घंटों के भीतर चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री उसकी राजकीय यात्रा पर पहुंच गए हैं। सिर्फ 1.2 करोड़ की आबादी वाले इस देश ने पिछले एक दशक के दौरान लैंगिक विभेद समाप्त करने से लेकर आर्थिक विकास दर को तेज करने में जो प्रगति की है उसे देखकर एशिया के दोनों सुपर पावर उसके जरिए पूरे अफ्रीकी महादेश में पैर फैलाने की संभावना देख रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने रवांडा में भारी भरकम निवेश का वादा किया है, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी ने रवांडा को अपना रणनीतिक साझेदार देश बनाकर यह जता दिया है कि वह रवांडा को अफ्रीका के प्रवेश द्वार के तौर पर देख रहे हैं। चिनफिंग और मोदी की यह पहली रवांडा यात्रा नहीं है, बल्कि यह किसी भी चीनी या भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा है। रवांडा को मिल रही इस अहमियत के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि भारत और चीन अफ्रीका में अपनी कनेक्टिविटी परियोजनाओं को परवान चढ़ाना चाहते हैं और इस काम में रवांडा, सेनेगल और युगांडा जैसे देशों की मदद सबसे अहम होगी। वैसे चीन इस मामले में भारत से काफ़ी आगे है।
लोकसभा ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2017 को पारित कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सदन में कहा कि इससे बीएड, डीएड, एमएड तथा कई अन्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर चुके उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जिनके संस्थान के पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं थी। संशोधन विधेयक के तहत 20 केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए जावड़ेकर ने कहा कि यह संशोधन एक त्रुटि को सुधारने के लिए लाया गया है। हमने संस्थानों से कहा है कि वे अपना दायित्व समझें और यह कदम सिर्फ एक बार के लिए उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल से सरकार देश में बीए बीएड, बीकॉम बीएड और बीएससी बीएड के तौर पर एकीकृत पाठ्यक्रम शुरू करने जा रही है। मंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कदम उठाए गए हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 87 संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई है। पिछले विधानसभा चुनावों के मुकाबले इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस में टिकट को लेकर दावेदारों में ज्यादा उत्सुकता है, क्योंकि इस बार उम्मीदवारों के चयन की कवायद भी जल्द शुरू हो गई है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर से लेकर बड़े नेताओं के बंगलों पर दावेदारों की भीड़ देखी जा सकती है। कुछ दावेदार क्षेत्र में पराक्रम दिखाकर टिकट का दावा कर रहे हैं तो कुछ बड़े नेताओं की परिक्रमा के जरिए आस लगाए हुए हैं। क्षेत्र में पराक्रम की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि टिकट के लिए सर्वे जारी है। नेताओं का प्रयास है कि सर्वे में नाम जुड़ जाए और इसके लिए वह क्षेत्रों में सक्रिय दिखाई देने लगे हैं। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के लिए हाईकमान और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के दो सर्वे चल रहे हैं। कुछ दावेदार अपने आंदोलन भाजपा सरकार को घेरने के लिए किए गए कामों के दस्तावेज बनाने में जुटे हैं। भोपाल से लेकर सतना, छतरपुर और अन्य जिलों में नेताओं ने रैलियां, यात्राएं, गांव-गांव पहुंचकर लोगों से उनकी समस्याएं को सुनने का माध्यम अपनाया है। INX मीडिया मामले में कांग्रेस नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई कर रहा है। इससे पहले कल CBI द्वारा दायर एयरसेल मैक्सिस मामले में चिदंबरम को बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी। इस तरह उनकी गिरफ्तारी अब 7 अगस्त तक नहीं हो सकेगी। हालांकि INX मीडिया से संबंधित ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट का फैसला आज आएगा। CBI ने गत 19 जुलाई को विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें पी चिदंबरम व उनके बेटे कार्तिक चिदंबरम के अलावा 10 अन्य को भी आरोपित बनाया गया है, जिसमें कुछ अधिकारी और 6 कंपनियां भी नामजद हैं। इन पर साजिश व भ्रष्टाचार समेत अन्य आरोप लगाए गए हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कल होने वाले आम चुनाव के लिए प्रचार का शोर कल शाम को थम गया है। ये चुनाव अपने अतरंगी प्रचार के तरीकों के लिए याद रखा जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान भारतीय फिल्म सितारों का दीवाना है। यहाँ भारतीय कलाकारों की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आम चुनाव प्रचार करने के लिए भी फिल्मी सितारों की तस्वीरें इस्तेमाल की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के उम्मीदवार अपने चुनावी प्रचार पोस्टर में अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित की तस्वीरें लगाकर वोट मांग रहे हैं। PTI के इस उम्मीदवार ने पोस्टर में पार्टी के चुनाव चिन्ह बैट के साथ एक बच्चे की फोटो भी लगाई है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा यह पोस्टर मुल्तान का बताया जा रहा है। PTI के इस उम्मीदवार का नाम सरदार अब्बास डोगर है। ब्रिटेन में 2021 में होने वाली जनगणना में सिख समुदाय को सिर्फ एक धर्म के अलावा विशिष्ट जातीय समूह का भी दर्जा देने की तैयारी हो रही है। देश के सांख्यिकी विभाग का कहना है कि इस कदम से सिखों को देश में मौजूद सभी सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। पिछले साल कुछ भारतवंशियों समेत करीब 100 सांसदों ने 2021 की जनगणना में सिख समुदाय को अलग जातीय समूह के तौर पर चिन्हित करने की मांग की थी। वर्ष 2011 की जनगणना में 83,000 से ज़्यादा सिखों ने भारतीय या आंग्ल भारतीय जातीय समूह के तौर पर अपनी पहचान करने से इनकार कर दिया था। उन सभी ने जनगणना के फार्म में मौजूद अन्य जाति समूह के बॉक्स में सिख लिखा था। ब्रिटेन का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2021 के जनगणना फार्म में हालांकि सिख को जातीय समूह के तौर पर शामिल करने पर विचार कर रहा है, लेकिन उसने अपने इस कदम की देश में रह रहे 4,30,000 सिखों के बीच स्वीकार्यता को लेकर चिंता भी जताई है। ब्रिटिश संसद में सिखों के सर्वदलीय संगठन ने इसके लिए उसे गुरुद्वारों की मदद लेने को कहा है। उल्लेखनीय है कि 2001 की जनगणना में इस समुदाय को अलग धर्म के रूप में मान्यता दी गई थी।
मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के कई इलाकों में आंदोलन उग्र और हिंसक हो गया है। आज मराठा क्रांति मोर्चा ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। औरंगाबाद में आरक्षण की मांग को लेकर एक युवक ने गोदावरी नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। युवक की मौत के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। नाराज लोगों ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में तोड़फोड़ की। कई जगहों पर गाड़ियों बसों को निशाना बनाया गया। राजनीतिक दल मृतक की मौत को सियासी रंग देने की कोशिश में जुट गए हैं। विपक्ष ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इस घटना के लिए मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई इलाकों में कोल्हापुर, सातारा, सोलापुर, पुणे और मुंबई में हालात काफ़ी तनावपूर्ण हैं। मोर्चा ने आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। प्रदेश सरकार ने बंद के बाद प्रशासन और महाराष्ट्र पुलिस को सतर्क कर दिया है। उधर मराठा समुदाय की नाराजगियों को देखते हुए औरंगाबाद प्रशासन ने मराठा क्रांति मोर्चा की अधिकांश मांगों को मान लिया है। प्रशासन ने बताया कि सरकार मृतक काका साहेब शिंदे के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देगी, साथ ही उनके छोटे भाई को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक से जुड़े मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि सबरीमाला मंदिर में पुरुषों की तरह महिलाओं को भी प्रवेश करने और प्रार्थना करने का संवैधानिक अधिकार है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि अगर पुरुष सबरीमाला मंदिर के अंदर जा सकते हैं तो महिलाएं भी वहां जा सकती हैं। संविधान पीठ 10 से 50 साल उम्र की महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने इस पाबंदी को अतार्किक और भेदभावपूर्ण कहा है। साथ ही मंदिर में पूजा के लिए महिलाओं के 41 दिन का व्रत रखे जाने को असंभव बताने की दलीलों से असहमति जताते हुए कोर्ट ने कहा था कि कानून असंभव को मान्यता नहीं देता। जो चीज सीधे नहीं की जा सकती उसे परोक्ष रूप से किया गया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के जंगलों में पहली बार बरसात के मौसम में भी फोर्स नक्सलियों पर कहर बनकर टूट रही है। बरसात के दिनों में अब जंगल और सघन हो जाता है, नई झाड़ियाँ उग आती हैं तथा नदी नाले भर जाते हैं। ऐसे में फोर्स का मूवमेंट आसान नहीं होता। इस मौके का फायदा उठाकर नक्सली नए कैडर की भर्ती करते हैं और जगह जगह ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, लेकिन इस बार हालत जुदा हो गए हैं। बस्तर के आईजी विवेकानंद ने बताया कि हमने बरसात के मौसम में विशेष ऑपरेशन की तैयारी पहले ही कर रखी थी। जवानों को खासतौर पर बारिश के दौरान ऑपरेशन चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। वैसे हथियार और साजो सामान जुटाए गए जो बारिश में फोर्स के लिए जरूरी होते हैं। इसके बाद ऑपरेशन मानसून की योजना बनाई गई। नक्सली बेपरवाह थे क्योंकि उन्हें उफान पर बहती नदियों को पार कर फोर्स के पहुंचने की उम्मीद नहीं थी, यहीं वे गच्चा खा गए। ऐसे में ऑपरेशन मानसून को भारी सफलता मिली है। 1 जून से शुरू हुए इस अभियान के दरमियान फोर्स ने न सिर्फ नक्सलियों को मार गिराया बल्कि उनके पास से अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए हैं। केंद्र सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1 अप्रैल 2020 में सिर्फ BS6 मानकों वाले वाहनों का ही निर्माण और बिक्री होगी। सरकार ने कहा कि इससे प्रदूषण की समस्या पर काफ़ी हद तक रोक लगेगी। इसके अलावा सरकार ने कहा कि निजी वाहनों के लिए डीजल की अलग कीमत तय करना संभव नहीं है। मंत्रालय ने यह जानकारी न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ को प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान दी। मंत्रालय ने इस संबंध में कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने कहा है कि 28,000 करोड़ रुपए BS6 मानक का ईंधन उपलब्ध कराने पर खर्च किए गए हैं। 1 अप्रैल 2020 के बाद सिर्फ BS6 मानक के वाहनों के निर्माण और बिक्री की इजाज़त होगी। दूसरी ओर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की ओर से कुछ और समय मांगा गया है। उनके वकील ने सरकार की ओर से इसी वर्ष फरवरी में जारी अधिसूचना का जिक्र किया है, जिसमें कहा गया है कि वाहन निर्माता 1 अप्रैल 2020 तक बने वाहनों को जून 2020 तक पंजीकरण करा सकते हैं। कारगिल की पहाड़ियों के ओट में बसे द्रास में देशभक्ति की बयार चल रही है। कारगिल विजय दिवस की तैयारियों के बीच द्रास में देश के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटक कारगिल में लड़े गए युद्ध की यादों को ताजा कर भारतीय सेना की बहादुरी को महसूस कर रहे हैं। कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए द्रास वार मेमोरियल में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वर्ष 1999 में लड़े गए कारगिल युद्ध में शहीदों की याद में 2 दिवसीय कार्यक्रम 25 जुलाई से शुरू होगा। ऐसे में इन दिनों वार मेमोरियल को सजाने के साथ सेना के कार्यक्रमों की रिहर्सल चल रही है। कारगिल में 19 वर्ष पहले लड़े गए युद्ध में सेना के तोपखाने ने दुश्मन को परास्त कर जीत की बुनियाद डाली थी, तो पैदल सेना व इन्फेंट्री के सटीक प्रहारों ने चोटियों पर बैठे दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। इस युद्ध में सेना की असाधारण बहादुरी के सबूत कारगिल वार मेमोरियल में शहीदों को नमन करने के लिए आने वाले युवाओं में
फौजी बनने का जज्बा पैदा करते हैं। मेमोरियल में प्रदर्शित ऐतिहासिक फोटो व दुश्मन से बरामद गोला बारूद, हथियार, पाकिस्तानी करेंसी व अन्य साजो सामान उन हालात का बयां करते हैं जिनमें सेना के वीरों ने कारगिल की चोटियों से दुश्मन को आजाद करवाया था। दुश्मन से बरामद बंदूकें उसकी ओर से दागे गए बम गोलों के साथ शहीद होने से पहले सैनिकों के हंसते फोटो व युद्ध के दौरान सैनिकों तक रसद पहुंचाने के लिए सप्लाई कोर की जद्दोजहद भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। पवित्र ग्रंथों के अनुसार हनुमत कोच में अपार शक्ति है और यह अद्भुत फलदायी है। कहते हैं कि इसे खुद भगवान श्री राम ने रचा है। जब प्रभु श्री राम रावण से युद्ध कर रहे थे तभी उन्होंने इसका पाठ किया था। रावण के कैद में सीता जी ने सभी ओर से अपने को सुरक्षित करने के लिए श्री राम जी का यह रक्षा कवच धारण कर लिया था और इस प्रकार वे अपने प्राणों की रक्षा करती थी। इस हनुमत कोच की सुरक्षा में आने के लिए दिन में 3 से 4 बार शांति से बैठें, 2 से 3 मिनट होठों में जप करें और फिर चुप हो जाएं। ऐसा विश्वास करें कि आपके चारों तरफ भगवान का नाम घूम रहा है, भगवान के नाम का घेरा आपकी रक्षा कर रहा है और इस प्रकार से जप करते करते शांत और एकाग्रचित हो जाएं। श्री हनुमान कोच अपने आप में भगवान की शक्ति रखता है जिसके प्रभाव से बुराइयों पर जीत पाई जा सकती है। हनुमान भक्त इस कवच की अद्भुत शक्ति को जानते हैं। इस कवच की शक्ति को मन को एकाग्र करके साधना से जगाया जा सकता है। यह कहा जाता है कि यह महावीर हनुमान का शक्तिग्रह है। यह ऐसी मान्यता है कि इस कवच से भूत, प्रेत, चांडाल, राक्षस व अन्य बुरी आत्माओं से बचाव किया जा सकता है। यह कवच आपको टोनों टोटकों से भी बचाता है और आपकी रक्षा करता है। इस कवच का प्रभाव से जीवन के सभी शोक मिट जाते हैं, अतः इसे शोकनाशम भी पुकारा जाता है। साथ ही जीवन में जो भी कष्ट होते हैं वो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में अचानक खुशियाँ आ जाती हैं, वह हर तरह से संपन्न हो जाता है। लोकसभा चुनाव में राज्य में भाजपा का सफर कम से कम 22 सीटों से शुरू होगा। ममता अपनी वर्तमान 34 सीटों पर ही लड़ लें वही अधिक होगा। उक्त बातें भाजपा के राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष ने कल आसनसोल में राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शर्मिष्ठा होटल में कही। वह भाजपा के राज्य कमेटी की पहले दिन की बैठक के पश्चात पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। 21 जुलाई की सभा में ममता बनर्जी द्वारा 42 में से 42 सीटें लेने के दावे पर दिलीप घोष ने कहा कि अगर 42 सीटें भी दे दी जाए तो उनके साथ कोई नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव में ही पता चल गया कि विपक्ष के साथ कौन है। कम से कम ममता पीएम बनने का सपना देखना छोड़ दें। दिलीप घोष ने कहा कि आज चुनाव समिति की विद्युत कमेटी की बैठक हुई, इसके निर्णयों से कल होने वाली बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराया जाएगा। पंचायत चुनाव में हार के लिए मसल पावर और पुलिस को जिम्मेवार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि पुरुलिया जैसे जगहों में मसल पावर से मुकाबला किया, वहाँ अच्छा परिणाम रहा। यही कारण है कि परिणाम आने पर उत्तरबंग व मुकाबले वाले जगहों के DM SP का तबादला कर दिया गया। पिछले महीने जून में सिंगापुर में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुए शिखर सम्मेलन का असर अब दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अपने मिसाइल परीक्षण स्थलों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों के एक समूह ने यह जानकारी दी है। ट्रंप और किम के बीच हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के बाद उत्तर कोरिया की तरफ से यह बेहद कारगर कदम माना जा रहा है। 38 उत्तर कोरियाई समूह के अनुसार सोहे सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन के वाणिज्यिक उपग्रह से ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें दिखाया गया है कि प्योंगयांग ने अपने एक निर्माणाधीन भवन को नष्ट कर रहा है। साथ ही साथ एक रॉकेट इंजन टेस्ट स्टैंड को भी नष्ट कर रहा है जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के लिए किया जाता था। बताया जाता है कि उत्तर कोरिया के
उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित सोहे में अंतरिक्ष के कक्षा में उपग्रह स्थापित करने के लिए रॉकेट परीक्षण का काम किया जाता था। इसके अलावा रॉकेट इंजन का मुख्य रूप से मिसाइल लॉन्च के लिए इस्तेमाल किया जाता था। विशेषज्ञों का मानना है कि प्योंगयांग के अंतरिक्ष कार्यक्रमों और हथियार परीक्षणों के लिए यह एक प्रमुख स्थल था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 16 महीने के कार्यकाल में रिकॉर्ड बना दिया है। वह प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतने कम समय के कार्यकाल में प्रदेश के सभी 75 जिलों का दौरा किया। इतने कम समय में प्रदेश के सभी 75 जिलों की जमीनी हकीकत से परिचित होने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं वो। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के कुर्सी गंवाने का डर, नोएडा न जाने के मिथक को तोड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 16 महीने के कार्यकाल में प्रदेश के सभी जिलों का न सिर्फ दौरा किया बल्कि अधिकांश में रात्रि प्रवास भी किया। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ जिलों में एक दो घंटा बिताकर लौट आए, जरूरत पड़ने पर कुछ जिलों में कई बार भ्रमण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 16 महीने में सभी 18 मंडलों और 75 जिलों का दौरा कर यह साबित कर दिया है कि अब वह प्रदेश के सभी जिलों की जमीनी हकीकत जान चुके हैं। कल वह हाथरस के दौरे पर थे, इसी दौरान उन्होंने प्रदेश के 75वें जिले में भी विकास कार्य तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम योगी आदित्यनाथ की योजना अब जिलों के औचक निरीक्षण पर भी निकलने की है। उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने पहली बार इतने कम समय में सभी जिलों का दौरा किया है।